हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक रैंडम आफ्टरनून टू डिनर रूटीन। वैसे जब बच्चों का स्कूल खुला होता है तो मेरा रोज़ का रूटीन मोर और लेस सेम ही होता है, तो बच्चे लोग को स्कूल से ले आने के बाद, उनको फीड कर देने के बाद वो लोग लगे हैं अपना होमवर्क करने। समटाइम्स अगर उन्हें नैप चाहिए तो वो एक पावर नैप ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो लोग फिर होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। और मैं भी घर के काम से फ्री होके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और ऐसा कोई भी होमवर्क जो सानवी खुशी खुद कर सकते हैं वो खुद कर लेते हैं, मैं सिर्फ उन्हें थोड़ा गाइड करती हूँ। बाकी जहाँ उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत होती है तो मैं डेडिकेटली उन्हें पढ़ाती हूँ, और अगर नहीं ज़रूरत होती है तो मैं बाकी का अपना जो दूसरा कुछ भी काम मैं पैरेलली कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रमस्टिक्स क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज डिनर में मैं एक ड्रमस्टिक की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत लोग चाह रहे थे कि मैं बताऊं कि मैं उन्हें कैसे पढ़ाती हूँ। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, उसका एक जो है थंबनेल में लास्ट में डाल दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो मैंने दोपहर में ही घी बनाने रख दिया था और अभी घी बन चुका है, पक चुका है, तो बस मैं उसे छान लूँगी। और ये दो डब्बे इसलिए हैं यहाँ पर क्योंकि ये जो छोटा वाला डब्बा है ये मेरे मंदिर का डब्बा है, और जो बड़ा वाला है वो किचन का है। तो मैं जब भी घी बनाती हूँ तो उसमें से पहले का थोड़ा सा घी मंदिर के लिए रख देती हूँ, और बाकी जो घी है वो किचन के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इन केस आप जानना चाहते हैं कि मैं घी कैसे बनाती हूँ तो इसका रेसिपी भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो काम करते करते ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है, और जैसा कि शर्मा जी आते हैं चाय पे, मुझे उनका फ़ोन आ चुका है। शर्मा जी जब भी चाय पे घर आने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रोज़ आते हैं, पर जब भी आने वाले होते हैं तो मुझे वो पहले रिंग कर देते हैं कि मैं आने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं कुछ ना कुछ फिर प्रिपेयर करने लगती हूँ। तो ये साथ ही साथ मैंने बिग बास्केट से कुछ ऑर्डर किया था, सब्ज़ियाँ वगैरह, तो ये भैया भी अभी आ गए, तो बस ये सब्जियां मैं पहले अरेंज कर लूंगी और इसके बाद फिर चाय के साथ क्या बनाने वाली हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। यूँ तो मुझे हैंड पिक सब्जियां ही अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्केट जाना और अपने घर की हर छोटी से बड़ी शॉपिंग खुद करना, पर कभी कभी वक्त नहीं होता है तो इस तरह से फिर ऑनलाइन सर्विसेज की हेल्प लेनी होती है। और बिग बास्केट से इफ़ नॉट बहुत अच्छी तो अच्छी सब्जियाँ आ ही जाती हैं। तो मैं आज बना रही हूँ चाय के साथ कॉर्न चिली टोस्ट कह सकते हैं आप इसे, या चिली कॉर्न गार्लिक ब्रेड कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अमेरिकन मकाई जो होता है वो वाला कॉर्न लिया है, और अच्छा दूध वाला कॉर्न आपको लेना है। और कुकर में मैं इसे नमक डाल के बॉयल होने रखूँगी। कॉर्न को कभी भी सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, 5-7 मिनट में वो खुद ही अच्छे से पक जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास है तो। थोड़ा सा दूध बॉईल करने रख रही हूँ, और जो गार्लिक ब्रेड में मैंने जो स्प्रेड लगाना है बस मैं उसकी तैयारी अभी कर रही हूँ। और ये ड्रमस्टिक्स मैंने छील लिए थे, काट कर रख लिए हैं, एक बार चाय से फ्री हो जाएंगे तब मैं डिनर की तैयारी करूँगी।
तो ऐसा वाला ब्रेड मैंने ले लिया है। आप चाहे तो जो नॉर्मल ब्रेड होता है वो ले सकते हैं, इसे फ्रेंच लोफ कहा जाता है और ये 30-40 रुपीज़ में कहीं भी आराम से मिल जाता है। और गार्लिक ब्रेड के लिए ये वाला जो ब्रेड है ये बेस्ट होता है। मैंने जब भी गार्लिक ब्रेड फ्रेंच लोफ के साथ ट्राई किया है वो हमेशा और ज़्यादा बेहतर ही निकलता है। तो इसको थोड़ा सा थिक काटना होता है, ब्रेड जैसा पतला नहीं काटना है, थोड़ा एक इंच जैसा थिक इसको काटना है। मीनवाइल कॉर्न भी तैयार हो गए हैं तो बस मैं इन्हें छलनी में निकाल लूँगी जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रिप हो जाए। और यहाँ अब एक बाउल में मैंने ले लिया है कुछ 100 ग्राम्स जैसा बटर, और बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एकदम कड़क बटर आपको नहीं लेना है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, धीरे धीरे ये और सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बटर को एकदम पिघला नहीं लेना है, वो ऑयल जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा गार्लिक मैंने जो है कूट लिया था, तो गार्लिक मैंने यहाँ लिया है, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स में डालूंगी। और जब भी आप स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें हर्ब्स की चॉइस आपकी अपनी होती है। मैं यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, आप चाहें तो पार्सले, ओरिगैनो, जो आपको ज़्यादा खास पसंद हो वो आप डाल सकते हो, और कम डालना है ज़्यादा डालना है ये भी आपकी चॉइस है। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया। बेसिकली इस रेसिपी में पार्सले ही जाता है लेकिन ईजिली अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मैंने धनिया डाला है। और साथ में थोड़े से ये हैं कॉर्नफ्लेक्स, दीज आर चिली फ्लेक्स। तो इन सबको अच्छे से मैं एक मिक्स दे दूंगी और एक सॉफ्ट सा स्प्रेडेबल आपका जो है स्प्रेड तैयार होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए और तेल जैसा नहीं निकल रहा होना चाहिए, स्प्रेडेबल होना चाहिए, स्टिल थिक होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से लगा पाएंगे ब्रेड के ऊपर। तो ये स्प्रेड तो हो गया तैयार। और यहाँ मैं अभी एक बेकिंग ट्रे को लाइन कर लूंगी पार्चमेंट पेपर से। तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उनमें से ज़्यादा के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे पाऊँ, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खरीद सकें, नहीं तो कम से कम उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो वहाँ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकें। तो बस अभी मैंने स्लाइसिस के ऊपर जो बटर है उसको स्प्रेड करना शुरू किया है, और बटर थोड़ा अच्छी मात्रा में स्प्रेड कीजिएगा क्योंकि ये जो स्लाइसिस हैं थोड़े से मोटे हैं तो अंदर तक बटर जाएगा तो ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी भी। और मैंने नॉर्मल रेगुलर जो अमूल बटर आता है वो लिया है, आप चाहें तो लाइट बटर और कोई भी दूसरा वेरिएशन आप ले सकते हो। तो एक एक करके सभी टोस्ट को मैंने स्प्रेड कर देना है बटर से। और अभी बारी है चीज़ की, तो सभी टोस्ट के ऊपर मैं चीज़ डाल दूंगी। और आप सबको अब पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, मैं ये मोज़रेला प्लस चेडर चीज़ यूज़ करती हूँ। तो सभी टोस्ट पर अच्छी तरह से चीज़ फैला दीजिए, आपको कम पसंद है कम डालिए, बहुत ज़्यादा पसंद है तो और ज़्यादा मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो ये टोस्ट हैं इन्हें मैं टॉप कर दे रही हूँ कैप्सिकम, कॉर्न और थोड़ी सी हरी मिर्ची के साथ, क्योंकि ये चीज़ कॉर्न, चिली चीज़ कॉर्न गार्लिक ब्रेड है, इसलिए ये वाली टॉपिंग्स मैंने चूज़ किए हैं। टॉपिंग्स में भी चॉइस आपकी, आप जो चाहें वो टॉपिंग्स यहाँ डाल सकते हो। और अब ये गार्लिक ब्रेड बेक होने जाएगी प्री हीटेड अवन में, और इसको बेक करेंगे हम मैक्सिमम, यानी कि मेरे अवन में 220 है तो 220 डिग्री सेल्सियस पे कुछ 10 से 12 मिनट के लिए। और जब तक ये बेक हो रहा है मैं यहाँ पे कर रही हूँ चाय की तैयारी, और चाहे गर्मी का भी सीज़न हो पर कितना भी आप ठंडा पी लीजिए पर चाय की एक कमी रह ही जाती है, मतलब मैं अपने केस की बात कर रही हूँ, मुझे शाम को चाय ज़रूर चाहिए। तो बस चाय भी तैयार हो चुकी है
और मेरे जो गार्लिक ब्रेड है वो भी अच्छे से बेक होके आ चुके हैं। देखिए ऊपर से कैसा लाल दिख रहा है, सारी चीज़ पिघल चुकी है और मैं जब इसे उठा रही हूँ आप महसूस कर सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बना है एंड इक्वली क्रंची। तो बस टाइम है शाम के नाश्ते का और आज शर्मा जी वॉज नॉट फीलिंग गुड, उनकी तबीयत वैसे भी पिछले कुछ 2-3 दिन से अच्छी नहीं है। ये रेसिपी जितनी इजी है उतनी ही टेस्टी है, आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। तो अभी लगी हूँ मैं डिनर की तैयारी करने, तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है ये कुछ 3-4 चम्मच बेसन और मैं इसे भूनने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ आज स्टफ्ड ड्रमस्टिक की सब्जी, तो स्टफिंग मैं भुने हुए बेसन के साथ बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे रोस्टेड ग्राम फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं जो घर में जो नॉर्मली जो बेसन मिलता है उसी को भून रही हूँ। आप चाहें तो जो चना होता है, चने का आटा जो होता है, रोस्टेड जो चने होते हैं ना उसका भी एक आटा मिलता है, दालिया कहा जाता है, उसको घर में पीस सकते हैं। आप किसी भी वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो कुक्ड होना चाहिए तभी स्टफिंग अच्छी बनेगी, वरना बेसन का कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। तो जब तक बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है मैं ये सारी ही ड्रमस्टिक्स को बीच में से स्लिट करके तैयार कर लूँगी, क्योंकि इसको स्टफ करना है हमने। तो नाइफ ऑल द वे थ्रू नहीं चलाना है, सिर्फ बीच तक इसको चलाना है, जिससे जब इसे खोलें तो ये भिंडी जैसा, जब हम भिंडी को जब स्टफ करते हैं तो कैसा खोलते हैं उतना ही इसको स्लिट लगाना है। और बहुत ज़्यादा पके हुए ड्रमस्टिक तो नहीं लेने हैं, लेकिन थोड़े मोटे वाले ड्रमस्टिक लेंगे तो अच्छा बनेगा आपका सब्जी, क्योंकि वो ज़्यादा स्टफिंग कैरी कर पाएगा। तो बेसन में मैं चॉप कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और यह है गार्लिक का पेस्ट, सिर्फ गार्लिक को कूट लिया है मैंने, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक और बस मैं इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लूंगी। तो ये जो पेस्ट है इसको बाइंड करना है हमने ऑयल से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो 2-3 चम्मच ऑयल की आपको ज़रूरत पड़ेगी इतनी क्वांटिटी के लिए। तो अच्छे से मसल मसल के इसका जो है अच्छा सा एक क्रम्बल बना लेना है आपको। तो मैं इसे हाथों से ही मसल लूंगी, चम्मच से नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो आपको एज एंड वेन जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तेल की आप तेल डाल सकते हो, बस इस तरह का आप एक पेस्ट बना लीजिए। ये एकदम पेस्टी भी नहीं है और एकदम पाउडरी भी नहीं है। तो सारी ड्रमस्टिक्स को इस स्टफिंग से आपको भर लेना है और इन ड्रमस्टिक्स को हम आगे स्टीम करेंगे, तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा क्रम्बली भी रहेगा आपका जो स्टफिंग है तो चलेगा। तो सभी ड्रमस्टिक्स को मैंने जो है फिल कर लिया अच्छी तरह मसाले के साथ और अभी मैं इसे स्टीम कर लूँगी। और स्टीम आपको ऐसे करना है कि ये पूरी तरह से गलने नहीं चाहिए, कुछ 10-12% कमी रह जाए, यानी कि इनका शेप इंटैक्ट रहना चाहिए, थोड़ी कड़क रहनी चाहिए, ऐसा स्टीम कीजिए। तो मिक्सिंग जार में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, एक हरी मिर्ची मैंने ले ली है यहाँ पे और एक छोटा सा प्याज ले लिया, ये मीडियम साइज़ का प्याज है, उतना छोटा भी नहीं है। और इसको पीस के मैंने एक मसाला तैयार करना है सब्जी के लिए। और जो स्टफिंग बच गई थी उसे संभाल के रखिए, क्योंकि ये आगे ग्रेवी बनाने के काम आएगी। और इस मसाले में अभी ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा जीरा। और जब तक ये मसाला बन रहा है मैंने ड्रमस्टिक्स को ऑलरेडी स्टीमिंग के लिए रख दिया है, तो बस इसको मैं अभी अच्छे से पीस लूँगी। थोड़ा सा फाइन ही पीसने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए मसाला पीसकर तैयार है और अभी मैंने ले लिया है कुछ आधी कटोरी जैसा दही और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा मैंने मसाला तैयार कर लेना है। साथ ही साथ जो स्टफिंग का थोड़ा सा मसाला बच गया था वो भी मैं यहीं ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा है, 1 चम्मच जैसा। अगर आपके पास ज़्यादा बचता है तो वो फिर दही में मत मिलाइए, वो फिर आप ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा सब्जी में।
तो ये एक चम्मच जैसा था इसलिए मैंने इसको दही में ही मिला दिया है क्योंकि मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसे एक अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है वरना ये दही फट सकता है। तो अच्छे से मिक्स करके इस मसाले को साइड में रख लीजिए और बस अब हम फाइनली सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा तेल और जो मसाला मैंने मिक्सी में पीसा था प्याज लहसुन वाला वो अभी मैं तेल में डालूंगी डायरेक्टली क्योंकि इसमें जीरा ऑलरेडी है तो मैंने जीरा नहीं डाला है तेल में। और इसे अच्छे से चला चला के ढक ढक के मैंने इस तरह ब्राउन होने तक भून लिया है। बहुत छींटे उड़ाता है ऐसा पतला पेस्ट जो भी होता है मसाला, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे थोड़ा ढक ढक के पकाएं वरना पूरा प्लेटफॉर्म और आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं और छींटे लगने से बर्न भी आ सकता है। तो ये जो दही वाला मसाला था प्याज भुनने के इमीडिएटली बाद मैंने ये ऐड किया है और इन दोनों को मिला के मैं अच्छे से भून लूँगी। और क्योंकि इसमें दही है तो अब ये धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू करेगा, आपको इसे स्लोली चलाते हुए कुक करना है। बीच बीच में आप इसे ढक सकते हो लेकिन कुक अच्छे से करना है जब तक कि तेल निकलने लगे इसका। और मसाला आप किस तरह भूनते हो उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी सब्जी का रूप रंग कैसा आएगा और टेस्ट भी कैसा आने वाला है। तो ये मसाला अच्छी तरह भूनने लगा है, तेल भी इसका निकलने लगा है, तो इसका जो कच्चापन है वो जा चुका है और ये पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर सकती हूँ। अगर आप कच्चे मसाले में पानी ऐड करेंगे तो फिर उसका टेस्ट भी जो है थोड़ा सा फिर बदल जाता है। तो कितना आपको इसमें करी चाहिए उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए पानी डालिए। आप चाहें तो बिल्कुल सूखी सब्जी भी बना सकते हो, ड्राई एकदम जो साइड डिश होती है उस हिसाब से, और चाहें तो थोड़ी सी अच्छे रस्से वाली सब्जी भी बना सकते हो चावल वगैरह के साथ खाने के लिए। तो मैंने ऐड किया है इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और गरम मसाला और मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, इसलिए मैंने इतना पानी लिया है। और ऐड कर रही हूँ मैं ये पोटैटोज़, ये मैंने पार बॉयल करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो उबले हुए ले सकते हो आलू, लेकिन कच्चे मत लीजिएगा क्योंकि फिर कुक नहीं हो पाएंगे वो। और ये स्टीम्ड ड्रमस्टिक्स मैंने डाल दिए हैं, आप ड्रमस्टिक्स देख सकते हैं कितना अच्छा उनका कलर है और स्टिल वो इंटैक्ट हैं, एकदम घुल जाएं ऐसी ड्रमस्टिक्स मत उबा लीजिएगा। तो सब्ज़ी हो गई तैयार और मैं इसे बस फाइनली गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए से, और देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बनी है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ड्रमस्टिक्स पसंद आती हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो आज डिनर में मैं ड्रमस्टिक्स के साथ पेयर कर रही हूँ राइस। तो इससे पहले कि हम लोग डिनर करें मुझे बच्चों की थोड़ी सी नोटबुक्स और बुक्स जो हैं वो कवर करनी थी, उनका सेशन शुरू हो चुका है और साथ ही साथ स्टेशनरी का जो सारा प्रेशर होता है मॉम्स पर, पूरा स्टेशनरी पहले प्रोक्योर करना और उसको पूरा कवर करना, तो सेम दौर से गुजर रही हूँ मैं। एक साथ सारी बुक्स नहीं कवर कर सकती हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ लेकर बैठती हूँ, जिससे कि हफ्ते भर में दोनों की सारी नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगी। और आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं ना, पॉसिबल है तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन इससे है ना उनमें काम करने के लिए जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। एंड ऑब्वियसली सीखते तो वो हैं ही, वो पूरी तरह से चाहे नोटबुक कवर करना ना सीखें लेकिन थोड़े थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स उनको याद रह ही जाने वाले हैं इस एक्टिविटी के बाद। तो जैसा कि मैंने बताया मैं एक ही दिन सारी की सारी बुक्स नोटबुक्स टेक्स्ट बुक्स को लेकर नहीं बैठती हूँ क्योंकि इतना पहली बात तो टाइम नहीं होता है, दूसरा ये बहुत टायरिंग हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी जो है वो रोज़ करती हूँ, तो मुझे लाइक हार्डली 5 से 7 डेज लगते हैं फिर सारी नोटबुक्स जो है कवर हो जाती हैं, नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स दोनों। तो कवर कर दिया है मैंने, लेकिन लेबलिंग का काम मैंने छोड़ा है सानवी खुशी पे। आप देखिए खुशी कहाँ लेबल कर रही है अपनी नोटबुक्स और शानू कहाँ। तो थोड़ा सा बच्चों को ना उनकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, इतना उनको उनका स्पेस दिया जा सकता है।
मैं सानवी खुशी को उनकी जो नोटबुक्स हैं लेबल करने के लिए हमेशा जो है प्रोत्साहित करती हूँ। वो अच्छा कर लेते हैं तो उनको फिर शाबाशी मिलती है, वो अच्छा नहीं करते हैं तो अगेन इसके ऊपर एक लेबल मैं खुद चिपका के लिख ही सकती हूँ। ये लास्ट ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल होता ही है। पर बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर बच्चे फील सो गुड अपनी नई स्टेशनरी को देखकर। और बस मैंने दोनों के लिए खाना सर्व कर दिया है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हो, इन्हें फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो। आपकी राय मुझसे कॉमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।